सब पिला मोर गुड इवनिंग शुभ संध्या स्नेहरा निर्मल विद्याधर निरंजन भारती मधुस्मिता जयंती समस्ती गुड इवनिंग शुभ संध्या एवं प्रणाम मध्य सब पिला मोर प्रणाम एवं गुड इवनिंग शुभ संध्या आज आपण मानी नहीं कि मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि आप एग्जाम आसला भाई क्वेश्चन गुड़िक तेणु प्रथम रु शेष पर्यंत आपने कम्प्लीटली भिडियो को देखु एवं कौ शैली आम एनसर गुड़िक करूँ आपन ध्यान दिंतु कहीं आपणकर डे टू सेम टाइप क्वेश्चन किसी बदल पाए कि सेम टाइप सेम कनसेप्ट क्वेश्चन आपंक एग्जाम आसव तेणु आपण मैंने समस्ते समस्ते प्रथम रु शेष पर्यंत क्लास टी देखु भिडियोटी भल लगे निहाती गोटे लाइक करूँ ता सहित सांग मानकर करूँ आ जो मैंने चैनल को नुआ आसती सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करूँ कहीं आमर ओटीटी एग्जाम जोटा कि 9 तारिख रही दीर्घ तीन मस रु चारिमास धरी आम प्राक्ट जारी रखी जो मैंने भी रेगुला क्लास कर 100% पाइबे जो मैंने नुआ आने निहाती प्रिवियस भिडियो गुड़ देखु आम प्लेलीस्ट लिंक डेस्क्रिप्स में अच्छी ओटीटी 2021 कम्प्लीटली प्लेलीस्ट जिते सारा आम भिडियो पाखापाखि 100 क्लास ऑलरेडी सरला तेणु से ही भिडियो गुड़िक आपड़ फास्ट मोड्रे देखु कहीं आपरे बहुत समय कम अच्छी लतिका बेहरा गुड इवनिंग सर भेरी गुड इवनिंग पे समस्त राजा कुमार गुड इवनिंग समस्त पिला मोर गुड इवनिंग एवं बेस्ट विशेष रग्जाम 2021 ओटीटी एग्जाम आपणकर ओटीटी पर आसीज ओएसटीटी तेणु समस्ते जो मैंने नुआ आ सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं बहुत गुड़ाए आम क्लास आग को होवार अच्छी तेणु समस्ते से बाबद जापारे अपडेट हो पारे जो मैंने टेलीग्राम जॉइन होना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तार लिंक अच्छी डायरेक्ट आप टेलीग्राम जॉइन होनी जहाद्वारा कि ओटीटी रिगार्डिंग जेको एग्जाम आप प्रिपेरेशन करुँच सब प्रकार स्टडी मटेरियल पीडीएफ गुड़िक आपने तेणु चलतु आम डेरी करवा कहीं आम हाथ में बहुत कम समय अच्छी तेणु आम चलतु स्टार्ट करवा आज क्लास टी स्टार्ट करवा समस्त गुड इवनिंग शुभ संध्या तबे चालंतु आम स्टार्ट करिबा आज क्लास टी समस्त रिक्वेस्ट करी क्लास स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने प्रथम थर पर नुआ आसने सब्सक्राइब करूँ जो मैंने पुराणा थे निहाती सांगसाथी मानक सेयार करूँ जदि भिडियोटी आपको भल लगे पसंद आसो निहाती लाइक टे करेंगे ठीक अच्छे तेज चलतु आज प्रथम क्वेश्चन आपण मान सामने प्रथम क्वेश्चन मुझे रखी देखु पाने निजे बुद्धि विचारी समस्त क्वेश्चन एनसर दिंतु कहीं समस्त क्वेश्चन आपण मानी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन समस्त क्वेश्चन तिलोत्तम लिखे सार हाउ टू सब्सक्राइब प्लीज प्रोवाइड इनफर्मेशन रिगार्डिंग दिस सब्सक्राइब मैंने आम चैनल गोटे रेड बटन थी ठीक अच्छे स्क्रीनशॉट अफ कर दिंतु सार ठीक अच्छे स्क्रीनशॉट अफ करदेवि ठीक अच्छे एबे स्क्रीन चैट ऑफ हो गला प्रथम क्वेश्चन आपण सामने डैश मनोविश्लेषण विकास विकसित करिथिले जहाँ रोगी को चेतशून्य अवस्था भावनात्मक संघर्ष अंतर्दृष्टि उद्देश्य एक चिकित्सा दृष्टिकोण अटे डैश मनोविश्लेषण विकसित करिथिले जहाँ रोगी को चेतशून्य अवस्था भावनात्मक संघर्ष अंतर्दृष्टि उद्देश्य एक चिकित्सा दृष्टिकोण अटे आपणकर एग्जाम आसला भाई क्वेश्चन ठीक अच्छे देखिबा समस्त आंसर दिंतु समस्त आंसर आम देखू समस्त आंसर दिंतु मधुस्मिता 2 देवस्मिता 3 ऑप्शन नंबर 3 हम राइट आंसर जोटा कि सिगमंड फ्रॉयड ऑप्शन नंबर 3 हम राइट आंसर सिगमंड फ्रॉयड ठीक अच्छे पाने नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पियागेट अनुजाई सार पेडालोजी आउ थे किसी क्वेश्चन करूँ ठीक अच्छे पेडालोजी आम करवा य तो पेडालोजी क्वेश्चन भी डिस्कशन चलती बर्तमान सी डी क्वेश्चन पियागेट अनुजाई ज्ञानात्मक विकास प्रकट होता है कारण पिला से डैश जिला एवं गुणात्मक भाव विभिन्न सोपान जाए पियागेट अनुजाई ज्ञानात्मक विकास प्रकट होता है कारण पिला डैश जिला एवं गुणात्मक भाव विभिन्न सोपान जाए नमस्कार पिला समस्त नमस्कार राइट आंसर कौन हम राजा कुमार भेरी गुड
स्वर्णलता भेरी गुड, रवींद्र बहुत बढ़िया। चारोटी सोपान दे जाए ठीक अच्छे, चारोटी जिला और गुणात्मक भाव विभिन्न सोपान दे जाए, चार हम राइट आंसर, चार ही बुझेगा, चार हम यह राइट आंसर। भेरी गुड, बहुत बढ़िया पिला माने, बहुत बढ़िया। जयंती, ममता, कादम्बिनी, नीलांबर, सुभाग्नी, बहुत बढ़िया। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु, नेक्स्ट क्वेश्चन टी कही मनोजौवन विकास सिद्धांत प्रस्ताव किए देते, मन जौवन विकास सिद्धांत प्रस्ताव किए देते, मन जौवन विकास सिद्धांत प्रस्ताव किए देते, शीघ्र शीघ्र आंसर दिंतु। लवली लिखले थ्री, राइट आंसर टी होची ऑप्शन नंबर वन, सिगमंड फ्रॉयड, ऑप्शन नंबर वन हम राइट आंसर, सिगमंड फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड देते, सिगमंड फ्रॉयड बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, डैश समय मुख्य उपलब्ध वस्तु स्थायी हुए, डैश समय मुख्य उपलब्ध वस्तु स्थायी हुए, शीघ्र शीघ्र आंसर दिंतु, शीघ्र शीघ्र आंसर दिंतु। सिपुन, कादम्बिनी, स्वर्णलता राइट आंसर देखते, ऑप्शन नंबर फोर हूँ जोटा कि ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय हम यार राइट आंसर, ज्ञानेन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, डैश एरिक एरिक्सन मनोवैज्ञानिक विकास प्रथम सोपान अटे, डैश एरिक एरिक्सन मनोवैज्ञानिक विकास प्रथम सोपान अटे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण को लगु थ नपे कि मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक ठीक अच्छे, आपण मैंने ध्यान दिंतु क्वेश्चन गुड़िक देखिए आप एग्जाम आपती टाइप क्वेश्चन गोटे पाई। राइट आंसर कौन हमारे ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास ठीक अच्छे। ताप नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, मोटर प्रदर्शन बुद्धि, मोटर प्रदर्शन बुद्धि देश विकास एक अंश विशेष अटे, मोटर प्रदर्शन वृद्धि देश विकास एक अंश विशेष अटे, देखिबा समस्त आंसर दिंतु आउ शीघ्र शीघ्र आंसर देवाप ट्राए करूँ, बहुत सारा क्वेश्चन रही पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आज आप एग्जाम पढ़ा भाई प्रश्न। राइट आंसर टी हूँ ऑप्शन नंबर टू, शारीरिक, कौन हम शारीरिक ठीक अच्छे। ताप नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, थर्नडाइक मतरे डैश हे कार्यपाई प्रस्तुति, डैश हे कार्यपाई प्रस्तुति, समस्ते शेष पर्यटन जोड़ी रुहतु, आपण मान बहुत भल भल क्वेश्चन शेष आड़ रही तेणु समस्ते प्रथम रु शेष पर्यटन कम्प्लीटली क्लास टी देखु ठीक अच्छे। थर्नडाइक मतरे डैश हे कार्यपाई प्रस्तुति, राइट आंसर टी कौन हम ऑप्शन नंबर टू, प्रस्तुति हो, प्रस्तुति हूँ कार्यपाई प्रस्तुति, प्रस्तुति हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू ठीक अच्छे। बहुत बढ़िया पिला माने, बहुत बढ़िया राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, एगुड़िक मध्यरु केउठी जीन पियागेट द्वारा प्रस्तावित बुध शक्ति संक्रांत विकास चरण गोटे नुहे, एगुड़िक मध्यरु केउठी जीन पियागेट द्वारा प्रस्तावित बुध शक्ति संक्रांत विकास चरण गुड़िक मध्यरु गोटे भी नुहे, रवींद्र भेरी गुड, राइट आंसर होउछ ऑप्शन नंबर फोर, इनफॉर्मल ऑपरेशनल चरण, इनफॉर्मल ऑपरेशनल चरण ऑप्शन नंबर फोर हम राइट आंसर, भेरी गुड। नीलांबर, सिपुन, बहुत बढ़िया, भेरी गुड। लवली, कादम्बिनी, मीनाक्षी, भारती, बहुत बढ़िया पिला माने, बहुत बढ़िया। ताप नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, अनुभवशील शिक्षादान अथवा आदेश शिक्षा, अनुभवशील शिक्षादान अथवा आदेश अनुभवशील शिक्षादान अथवा आदर्श शिक्षा मनोवैज्ञानिक देशर काम एवं सामाजिक शिक्षा सहित सबुठारु अधिक शिखिबार एक प्रकार अटे, अनुभवशील शिक्षादान अथवा आदर्श शिक्षा मनोवैज्ञानिक देशर काम एवं सामाजिक शिक्षा सहित सबुठारु अधिक शिखिबार एक प्रकार अटे। राइट आंसर कौन हमारे पिला माने, ऑप्शन नंबर टू हम राइट आंसर। नीलांबर, भेरी गुड, जाओ
बहुत भल मीनाक्षी सुनीता सुराम श्वेता पद्मा बहुत बढ़िया पिला मैंने ऑप्शन नंबर टू हम साई बाबा ऑप्शन नंबर टू हम राइट आंसर आल्बर्ट बंदुरा आल्बर्ट बंदुरा डैश प्रकार शिक्षा शिक्षार्थी एक सक्रिय प्राप्तकर्ता भाव कार्य डैश प्रकार शिक्षा शिक्षार्थी एक सक्रिय प्राप्तकर्ता भाव कार्य देखिबा डैश प्रकार शिक्षा शिक्षार्थी एक सक्रिय प्राप्तकर्ता भाव कार्य बहुत बढ़िया पिला माने राइट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर वन शिक्षा कैंद्रिक ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एडवर्ड ली थंडाइक डैश उपरे प्रयोग फलाफल आधार रे परीक्षा एवं त्रुटि शिखिवार सिद्धांत जनक थिले एडवर्ड ली थंडाइक डैश उपरे प्रयोग फलाफल आधार रे परीक्षा एवं त्रुटि शिखिवार सिद्धांत जनक थिले रवींद्र ऑप्शन नंबर टू वेरी गुड ऑप्शन नंबर टू हूँ राइट आंसर तिलोत्तमा गीता सामंतराय मीनाक्षी श्वेता पद्मा शुभलक्ष्मी उषामणि वेरी गुड पिला माने ऑप्शन नंबर टू जोटा कि बिलई ठीक अच्छे बिलई हम राइट आंसर जड़े शिक्षार्थी जो डिग्री पाई मेटाकोग्निटिव प्रेरक एवं सक्रिय भाव निजर निजे शिखबार भाग नहीं था डैश कह जाए जो शिक्षार्थी जो डिग्री पाई मेटाकोग्निटिव प्रेरक एवं सक्रिय भाव निजे शिखबार भाग नहीं था डैश कह जाए डैश कह जाए शीघ्र 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 आंसर दिखते पाने शीघ्र शीघ्र फटांग फटांग कहीं आम पाखे बहुत समय कम अच्छी आम शीघ्र शीघ्र बहुत क्वेश्चन डिस्कसन करपशन नंबर टू हम जोटा कि आत्मनियमन ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा माध्यमिक स्तर में विकलांग समावेश शिक्षार उद्देश्य डैश कक्ष विकलांग पिलांग समावेश शिक्षापी सहायता प्रदान करें माध्यमिक स्तर में विकलांग समावेश शिक्षार उद्देश्य डैश कक्ष विकलांग पिलांग समावेश शिक्षापी सहायता प्रदान करें राइट आंसर टी कौन हम ऑप्शन नंबर टू हम राइट आंसर नौ एवं दस तम नवम ए दशम कक्ष विकलांग पिला ठीक अच्छे 9 and 10 जिलू साहू वेरी गुड ऑप्शन नंबर टू हम राइट आंसर रवींद्र मीनाक्षी श्वेता पद्मा वेरी गुड कादम्बिनी सुभाग्नी भारती बहुत बढ़िया रे पिला बहुत बढ़िया अंतर्जातीय मानदंड वर्गीकरण शिक्षा अनुसार डैश शब्दर अर्थ शिक्षण हस्तक्षेप एवं सेन को संबोधित करने डिजाइन समर्थन कर आंतर्जातीय मानदंड वर्गीकरण शिक्षा अनुसार डैश शब्द अर्थ शिक्षण हस्तक्षेप एवं सेन को संबोधित करने डिजाइन समर्थन कर कौन हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन हम राइट आंसर जोटा कि विशेष भाव आवश्यक शिक्षा विशेष भाव आवश्यक शिक्षा वेरी गुड बहुत बढ़िया डैश मॉडल मानव संस्कृति एक महत्वपूर्ण प्रसंग भाव विकलांगता को स्थान देता है डैश मॉडल मानव संस्कृति एक महत्वपूर्ण प्रसंग भाव विकलांगता को स्थान देता है पुष्टि करिथाय कि समस्त मानव निश्चित अविच्छेद्य अधिकार सहित जन्म होइछंती डैश मॉडल मानव संस्कृति एक महत्वपूर्ण प्रसंग भाव विकलांगता को स्थान देता है एवं यह पुष्टि करिथाय कि समस्त मानव निश्चित अविच्छेद्य अधिकारी सहित जन्म होइछंती राइट आंसर कौन हम मानवाधिकार ऑप्शन नंबर ए वन हम राइट आंसर मानवाधिकार वेरी गुड बहुत बढ़िया स्वास्तिक देवस्मिता शुभलक्ष्मी बहुत बढ़िया पिला महेश्वर राइट आंसर हम मानवाधिकार डैश मॉडल रे व्यक्तिगत अक्षमतार निर्णय अनुजाई अधिकार पाई अधिकार गुड़ी को अभिभेद करा जाय थाए एवं कौनसी व्यक्ति को निजर अधिकार व्यवहार करिबा पाई स्वतंत्र मानिबाकु होइथाय डैश मॉडल रे व्यक्तिगत अक्षमतार निर्णय अनुजाई अधिकार पाई अधिकार गुड़ी को विभेदित करा जाय थाए एवं कौनसी व्यक्ति को निजर अधिकार व्यवहार करने स्वतंत्र मानवाक होता है
राइट आंसर कौन हमारे पिला माने ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर कार्यात्मक कार्यात्मक हमारा राइट आंसर कार्यात्मक ठीक अछि। विकलांग व्यक्ति को पाई राष्ट्रीय नीति डैश रे पारित होइतला विकलांग व्यक्ति को पाई राष्ट्रीय नीति डैश रे पारित होइतला कबे पारित होइतला पिला माने ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर 2006 रे 2006 ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर 2006 ठीक अछि। डीपीईपी रो अर्थ डैश अटे डीपीईपी रो अर्थ डैश अटे डीपीईपी रो अर्थ क डीपीईपी रो अर्थ कोन रे पिला माने डीपीईपी डीपीईपी रो अर्थ होची जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जोटा कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी ठीक अछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डैश हेउची समस्या को समाधान करिबा पई एक नूतन व्यवहार जेते बेले कि एक अन्वेषण प्रवणता हेउची अधिक मात्रा रे सूचना संशोधित करिबा पई एक मानसिक शॉर्टकट डैश हेउची समस्या को समाधान करिबा पई एक नूतन व्यवहार जेते बेले कि एक अन्वेषण प्रवणता हेउची अधिक मात्रा रे सूचना संशोधित करिबा पई एक मानसिक शॉर्टकट राइट आंसर कौन हमारे ऑप्शन नंबर 3 अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि हम यार सठिक आंसर बुझेगा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आइजाक न्यूटन को यही अनुभूति रे पड़ुवा सेउ एवं परिक्रमा करथुवा चंद्रमा उभय गुटिए बल द्वारा आइजाक न्यूटन कर यही अनुभूति रे पड़ुवा सेउ एवं परिक्रमा करथुवा चंद्रमा उभय गुटिए बल द्वारा भिड़ी होइतांती डैश प्रकार शिखिबा एक उदाहरण अटे डैश प्रकार शिखिबा एक उदाहरण अटे को प्रकार उदाहरण होची आमर अंतर्दृष्टि शिखिबा अंतर्दृष्टि वेरी गुड अनुज बहुत बढ़िया अंतर्दृष्टि शिखिबा उषामणि वेरी गुड अंतर्दृष्टि शिखिबा पेडागोजी ग्रीक शब्द रु निए जाइछि जहार अर्थ होला डैश पेडागोजी माने कोन रे पिला माने पिला पेडागोजी माने होची पिला ठीक अछि। डैश मानुछंति कि किछि हेउची डैश मानुछंति कि किछि हेउची डैश मानुछंति कि किछि हेउची संकेत शिखिबा संकेत शिखिबा डैश प्रकार शिखिबार प्रसिद्ध उदाहरण रे एक वस्तुर घनत्व को निर्धारित करबा पई आर्किमिडीजिंकर उद्भावन को शामिल करे डैश प्रकार शिखिबार प्रसिद्ध उदाहरण रे एक वस्तुर घनत्व को निर्धारित करबा पई आर्किमिडीजिंकर उद्भावन को शामिल करे राइट आंसर कौन हमारे ऑप्शन नंबर 3 जोटा कि अंतर्दृष्टि शिखिबा अंत शिखिबा ठीक अछि। शिक्षा जहा देखिबा धरी रखिबा एवं नकल करि शिखिबा परि काम अन्य लोकङ माननक द्वारा भलो व्यवहार को डैश कुआ जाय थाय कोन कुआ जाय थाय पिला माने राइट आंसर हबो निरीक्षण संबंधीय शिक्षा निरीक्षण संबंधीय शिक्षा स्व मूल्यायन एक प्रकार डैश मूल्यायन अटे स्व मूल्यायन एक प्रकार डैश मूल्यायन अटे स्व मूल्यायन एक प्रकार डैश मूल्यायन अटे निरूपण मूल्यायन स्व मूल्यायन एक प्रकार निरूपण मूल्यायन अटे बहुत बढ़िया पिला माने बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डैश मूल्यायन संपूर्ण शिखिबा परे होइथाय डैश मूल्यायन संपूर्ण शिखिबा परे होइथाय एवं शिक्षा उ शिखिबा प्रक्रियार सूचना एवं प्रतिक्रिया प्रदान करिथाय राइट आंसर कौन हबरे ऑप्शन नंबर 3 जोटा कि जुगात्मक जुगात्मक मूल्यायन जुगात्मक मूल्यायन निम्नोक्त मध्यरु केउटी मूल्यायनर सिद्धांत नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी मूल्यायनर सिद्धांत नुहे केउटी मूल्यायनर सिद्धांत नुहे ऑप्शन नंबर 4 हबो जबरदस्त ऑप्शन नंबर 4 हबो जबरदस्त वेरी गुड गायत्री रवींद्र अनुज अंजु विश्वास वेरी गुड बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
प्रशिक्षक स्व मूल्यायन एक प्रकार डैश मूल्यायन अटे। प्रशिक्षक स्व मूल्यायन एक प्रकार डैश मूल्यायन अटे। जुगात्मक के मूल्यायन अटे, जुगात्मक मूल्यायन अटे। शेष परीक्षा डैश मूल्यायन एक प्रकार अटे। शेष परीक्षा डैश मूल्यायन एक प्रकार अटे। राइट आंसर होउछि ऑप्शन नंबर टू, जुगात्मक मूल्यायन। पेपर वन एवं टू उभय पई रहउछि, उभय पई रहउछि पेडालोजी टी कॉमन, तेणु समस्त यही क्लास टी इंपोर्टेंट रहइबो। ठीक अछि, समस्त साक्षात्कार डैश मूल्यायन एक प्रकार अटे। साक्षात्कार डैश मूल्यायन एक प्रकार अटे। साक्षात्कार के निरूपण, निरूपण मूल्यायन। ठीक अछि, निरूपण मूल्यायन। रिकास्ट, रिकास्टर अर्थ कौन, रिकास्टर अर्थ कौन, रिकास्टर अर्थ होउछि एहा रिइनफोर्समेंटर प्रकार, एहा होउछि रिइनफोर्समेंटर प्रकार। ठीक अछि, ऑप्शन नंबर फोर हमर राइट आंसर। बहुत बढ़िया भारती, मिस ज्योति, अनुज, मधुस्मिता, रवींद्र, श्वेता, पद्मा, बहुत बढ़िया। मातृभाषा पिलांकु सेमानंकु डैश ओ डैश भाबरे परिप्रकाश करिबा सिखाई थाए। मातृभाषा पिलांकु सेमानंकु डैश ओ डैश भाबरे परिप्रकाश करिबा सिखाई थाए। बहुत बढ़िया पिला माने, बहुत बढ़िया। राइट आंसर कौन हो, ऑप्शन नंबर थ्री, स्पष्ट ओ सरल भाबरे, स्पष्ट ओ सरल भाबरे, ऑप्शन नंबर थ्री हो राइट आंसर, स्पष्ट ओ सरल भाबरे। मारी जड़े इंग्रेजी भाषाकर शिक्षक डैश पई क्लासरूम रे राइम बोलुचंती। मारी जड़े इंग्रेजी भाषार शिक्षक डैश पई क्लासरूम रे राइम बोलुचंती। डैश पई क्लासरूम रे राइम बोलुचंती कौन पाए रे पिला माने, काहे कि ना इंग्रेजी शब्द सहित पिला मानंकु परिचित करिबा पई, इंग्रेजी शब्द सहित पिला मानंकु परिचित करिया पई से कोन करचंती ना राइम टिए बोलुचंती। ठीक अछि, शून्य स्थान पूरण कर, डैश क्लास रे छात्र माने व्याकरण नियम पढ़ी थांती, तापरे से नियम को स्थानीय भाषा रे उ लक्ष्य भाषा रे अनुवाद करी प्रयोग करी थांती। डैश क्लास रे छात्र माने को क्लास रे छात्र माने पिला माने को क्लास रे, व्याकरण क्लास रे, व्याकरण अनुवाद क्लास रे, ऑप्शन नंबर फोर हम राइट आंसर, व्याकरण अनुवाद क्लास रे। अनुज वेरी गुड, अरुण बढ़िया, बहुत बढ़िया पिला माने, बहुत बढ़िया राइट आंसर। ठीक अछि, तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, भाषा शिक्षा करिबा पई सबुठारु उत्तम उपायटे कौन, सबुठारु उत्तम उपायटे कौन, भाषा शिक्षा करिबा पई सबुठारु उत्तम उपाय कौन रे पिला माने, सबुठारु उत्तम उपाय जुगाजोग प्रक्रिया, कौन हबो जुगाजोग प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 1 हबो राइट आंसर, जुगाजोग प्रक्रिया। भाषा शिक्षा करी हुए जोगाजोग माने जोटा कि जनक सहित आ जने जोगाजोग करबा। ठीक अछि, जोगाजोग करबा, जोगाजोग करले कोन हबो कम्युनिकेशन जोटा कि जोगाजोग। ठीक अछि, कम्युनिकेशन माध्यम रे गुटे भाषा आ र शब्द को आमे भलसे बुझी पारंती बा सिखि पारंती। ठीक अछि, जदि आमे इंग्लिश रे बारंबार जनक सहित कथा हबा किबा तांके सहित जोगाजोग करबा कोन हबो सेही भाषा रे के आमे सिखि परबा। ठीक अछि, जुगाजुग हबो राइट आंसर, जुगाजुग। ठीक अछि, निम्नलिखित मध्यरु केउठी छात्र कंजुग निर्देश प्रणाली रे एक अंश नुहे, निम्नलिखित मध्यरु केउठी छात्र कंजुग निर्देश प्रणाली रे एक अंश नुहे। अनुज लेखले कम्युनिकेशन, वेरी गुड, कौन हबो रे राइट आंसर, निम्नलिखित मध्यरु केउठी छात्र कंजुग निर्देश प्रणाली रे एक अंश नुहे, प्रत्यक्ष निर्देशावली, प्रत्यक्ष निर्देशावली, ऑप्शन नंबर 3 हबो राइट आंसर, प्रत्यक्ष निर्देशावली। एक व्यापक क्लासरूम रे निम्नलिखित मध्यरु केउठी शिक्षकक पई एक आह्वान नुहे, एक व्यापक क्लासरूम रे निम्नलिखित मध्यरु केउठी शिक्षकक पई एक आह्वान नुहे, एक व्यापक क्लासरूम रे निम्नलिखित मध्यरु केउठी शिक्षकक पई एक आह्वान नुहे, राइट आंसर कोन हबरे, संबळर उपलब्धता नथिबा, संबळर
ଉପଲବ୍ଧତା ନଥିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ 99 ଜଣ ପିଲା ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି 57, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, 100 ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍କୁ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟବୁଲ କରିପାରିବା, କ୍ଲାସ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ଟିଏ କରିବା। 38 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିମିଂ, ସ୍କିମିଂ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ଶବ୍ଦ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ଶବ୍ଦ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମଧୁସ୍ମିତା, ଅନୁଜ, ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା, ଭାରତୀ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଜା, ଜିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିକାଶ ଚକ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିକାଶ ଚକ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ବିକାଶ ଚକ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଧିକ କହିବା, ଅଧିକ କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଏହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାନେ କ'ଣ, ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ନିଜ ଖାତା ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ମିଳିଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଶୈଳୀ ନୁହେଁ? ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ 1 କେଉଁଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଶୈଳୀ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତିଲୋତ୍ତମା, ରବୀନ୍ଦ୍ର, ନୀଳାକର, ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା, ମିସ୍ ଜ୍ୟୋତି, ଭାରତୀ, ଦୀପିକା, ବଲ୍ଲଭୀ, ଭେରି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏସ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ କାମ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଡେସ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ କାମ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଡେସ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ କାମ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଇପ୍ସେଟିଭ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଇପ୍ସେଟିଭ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ, ଶୁଭସ୍ମିତା ଦାସ ଲେଖିଲେ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଣାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ? ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବହୁତ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣଙ୍କର OSTT ପାଇଁ, CT, BED ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ ବୈଧ ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଓ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା।
ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर फोर हम राइट आंसर नीलांबर निरंजन भारती बहुत बढ़िया पिला मैंने बहुत बढ़िया बल्लभी ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ शिक्षा रे थिबा समस्या को जानिबापाई शिक्षक आग्रह कारण हेउची डेस शिक्षा रे थिबा समस्या को मिनती सामल प्रणाम सर प्रणाम रे आपन को मध्य प्रणाम शिक्षा रे थिबा समस्या को जानिबापाई शिक्षक आग्रह कारण हेउची डेस कौन हबरे पिला माने राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर थ्री समस्या को समाधान करिबा कारण यह एही क्षेत्र सहित संपर्कित समस्या को समाधान करिबा कारण यह एक क्षेत्र सहित संपर्कित ऑप्शन नंबर थ्री हम राइट आंसर समस्या को समाधान करिबा कारण यह एक क्षेत्र सहित संपर्कित। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जदि श्रेणी कक्ष रे जने छात्र ढुलाउची जदि श्रेणी कक्ष रे जने छात्र ढुलाउची तेबे डैश रे किछि त्रुटि रहिछि तेबे डैश रे किछि त्रुटि रहिछि केउथरे त्रुटि रहिबा क्षणी पिलाटी श्रेणी कक्ष रे ढुलाउची कौन हमारे पिला माने सही निर्दिष्ट छात्र त्रुटि रही केवल सही पिलाटी छुट्टी भारत लिखले सार वॉयस कट हो वॉयस कट हो माने कौन वॉयस कट हो देखा से निर्दिष्ट छात्र ठीक अच्छे से निर्दिष्ट छात्र त्रुटि थिबा हेतु से पिलाटी ढुलाउची आउ कोठी रे त्रुटि नाही केवल सही छात्र रो त्रुटि रहिछ सही निर्दिष्ट छात्र रे बुझेला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एक शिशु रो शब्दावली रो विकास डैश थारु आरंभ होइताय एक शिशु रो शब्दावली रो विकास डैश थारु आरंभ होइताय नेट स्लो थिबो एक शिशु रो शब्दावली रो विकास डैश थारु आरंभ होइताय राइट आंसर कोन हबो रे ऑप्शन नंबर टू हम राइट आंसर वेरी गुड नीलांबर ऑप्शन नंबर टू शैशव अवस्था ठीक अच्छे शैशव अवस्था शिशुर विकास टी आरंभ होता है शैशव अवस्था। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्यक्तिगत धरित्री कहले हाँ कट हो व्यक्तिगत पार्थक्य को दूर करने जड़े शिक्षक किपर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करें व्यक्तिगत पार्थक्य को दूर करने जड़े शिक्षक किपर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करें किपर रे उभय पिलांकर आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम को आकृष्ट करवा चेष्टा करवा ठीक अच्छे ता सहित कौन करवा ना पिलांकर क्षमता अभिरुचि और आग्रह विषय में जानवाक चेष्टा करवा ठीक अच्छे तेल ऑप्शन नंबर फोर हम राइट आंसर बुझेगा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु पिलांकर विकास को अनुधान कर सर्वोत्तम प्रणाली हूँ डैश पिलांकर विकास को अनुधान कर सर्वोत्तम प्रणाली हूँ डैश पिलांकर विकास को अनुधान कर सर्वोत्तम प्रणाली हूँ डैश समस्ते वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ क्लास टी बहुत इंटरेस्टिंग हो पार राइट आंसर हम विकास प्रणाली कौन हम विकास प्रणाली भारती वेरी गुड रंभा बहुत बढ़िया विकास प्रणाली हम राइट आंसर। निम्नलिखित मध्य क्योंठी लुचिवा शब्दर प्रतिशब्द नुहे लुचिवा शब्दर प्रतिशब्द नुहे निम्नलिखित मध्य क्योंठी लुचिवा शब्दर प्रतिशब्द नुहे लुचिवार प्रतिशब्द नुहे कौटा लुचिवार प्रतिशब्द नुहे कौटा लुचिवार प्रतिशब्द नुहे कौटार पिला माने देखाइबा ठीक अच्छे देखाइबा होची राइट आंसर लुचिवार प्रतिशब्द नुहे होची देखाइबा कौन देखाइबा बुझेला देखाइबा हम राइट आंसर देखाइबा। देखाइबा राइट आंसर देखाइबा ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा दी जाइथिबा विकल्प मध्यरु अधिक उपयुक्त होइथिबा शब्द बा क्रिया को बाछंतु एवं खाली स्थान रे भरंतु जणे भद्र व्यक्ति जहाँ
ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁବେଳେ ତାହା କହନ୍ତି। ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁବେଳେ ତାହା କହନ୍ତି। ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁବେଳେ ତାହା କହନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଯାହା ଭାବନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାହା କହନ୍ତି। ଯାହା ଭାବନ୍ତି ତାହା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ସଂଯୋଜକକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଭରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ, ଡେସ୍ ଏହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଝୁଲୁଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ, ଡେସ୍ ଏହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଝୁଲିଥାଏ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ, କାରଣ ଏହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଝୁଲିଥାଏ। କାରଣ ଏହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଝୁଲିଥାଏ, ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଅପ୍ସନ୍ ଦାଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଇଡମ୍ ଅର୍ ଫେଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୁ। ଗୋଟେ ଇଡମ୍ ଫେଜ୍ ରହିଛି, ଏ ସ୍ନୋବଲ୍ସ ଚାନ୍ସ ଇନ୍ ହେଲ୍, ଏ ସ୍ନୋବଲ୍ସ ଚାନ୍ସ ଇନ୍ ହେଲ୍, ଏହାର ଇଡମ୍ ଫେଜ୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ନୋ ଚାନ୍ସ ଏଟ୍ ଅଲ୍, ଯାହାର ଆଦୌ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯାହାର ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ସ୍ନୋବଲ୍ସ ଚାନ୍ସ ଇନ୍ ହେଲ୍। ବୁଝିହେଲା? ନୋ ଚାନ୍ସ ଏଟ୍ ଅଲ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ NLJ'ସ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ NLJ'ସ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କ'ଣ ହେବ? ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣସ୍ ଥ୍ରୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରେଦର୍ ଦେନ୍ ୱାଚିଂ ଅର୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଏ ଲେକ୍ଚର୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ରେଦର୍ ଦେନ୍ ୱାଚିଂ ଅର୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଏ ଲେକ୍ଚର୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3 କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆଗ୍ରେସିଭ୍। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆଗ୍ରେସିଭ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦ ରିୱାର୍ଡ ଦାଟ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଗେଟ୍ସ ଆଫ୍ଟର୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେଇଂ ଏ ସାର୍ଟନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ରିୱାର୍ଡ ଦାଟ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଗେଟ୍ସ ଆଫ୍ଟର୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେଇଂ ଏ ସାର୍ଟନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସେଟିଭ୍, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇନ୍ସେଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନିଂ ଅଫ୍ ଏ ବିହେଭିଅର୍ ବାଇ ରିମୁଭିଂ ଆନ୍ ଆଭ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡେସ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନେଗେଟିଭ୍ ରେନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର କମ୍ ହେଲେ ମଣିଷର ଦନ୍ତକ୍ଷୟ କରାଏ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାରଟି କମ୍ ହେଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଫ୍ଲୋରିନ୍। ଫ୍ଲୋରିନ୍ଟି କମିଗଲେ ଆମର ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଟିସୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ ସହାୟତା କରେ? ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ଲୁଏମ୍, ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଫ୍ଲୁଏମ୍, ଆଉ ଜାଇଲମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୱାଟର୍ ବା ଜଳ। ଜଳ ପରିବହନ କିଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନ କରେ କିଏ ନା ୱାଟର୍ ବା ଜଳ ପରିବହନ କିଏ କରେ? ଜାଇଲମ୍ କରେ। ଖାଦ୍ୟ କିଏ ପରିବହନ କରେ? ଫ୍ଲୁଏମ୍ କରେ। ଖାଦ୍ୟ କିଏ କରେ? ଫ୍ଲୁଏମ୍ କରେ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଫ୍ଲୁଏମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ, ଦେଖିବେ।
बिहार सहित अरुणाचल प्रदेश अवस्थान किपरि बिहार सहित अरुणाचल प्रदेश अवस्थान टी किपरि उत्तर पूर्व अवस्थान ठीक अछि। बिहार अरुणाचल प्रदेश होउछि उत्तर पूर्व। निम्न केउ एंजाइम मानव शरीर रे कार्बोहाइड्रेट हजम पई दाई निम्न केउ एंजाइम मानव शरीर रे कार्बोहाइड्रेट हजम पई दाई कार्बोहाइड्रेट हजम पई दाई ऑप्शन नंबर 3 हबो जोटा कि एमिलेज कौन हबो एमिलेज बुझि पाइले। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा निम्नस्थ केउ जल प्रदूषण रो उच्च नुए निम्नस्थ केउठी जल प्रदूषण रो उच्च नुए केउठी जल प्रदूषण रो उच्च नुए ऑप्शन नंबर 2 हबो जानवाहन निष्कासन जानवाहन निष्कासन बहुत बढ़िया पिला माने बहुत बढ़िया राइट आंसर। गति वेग शक्ति रो एसआई यूनिट कोन एसआई यूनिट कोन वेग रो एसआई यूनिट कोन रे पिला माने वेग रो एसआई यूनिट जी जूल ठीक अछि। गति वेग रो होची जेकि जूल बुझला वर्क रो जूल ठीक अछि। सेमिति गति रो वेग होची जोटा कि सेटा मध्य जूल्स गति वेगर शक्ति शक्ति रो जूल जोटा कि एनर्जी रो मध्य जूल वर्क रो जूल एनर्जी रो मध्य जूल बुझला। आ वाट रो कार पावर रो वाट पावर रो वाट ओम कार रेजिस्टेंस रो ओम पास्कल कार प्रेशर होची पास्कल बुझला। आपन एग्जाम रे आसी पारे एसआई यूनिट बाबद रे किछ क्वेश्चन आसी पारे तनो ध्यान देथिबे एसआई यूनिट को। गोवा राज्य टी डैश रे अवस्थित गोवा राज्य टी केउठी अवस्थित पश्चिम घाट रे अवस्थित कोठी पश्चिम घाट रे बहुत बढ़िया पिला माने बहुत बढ़िया बेसाल्ट गुटिए डैश बेसाल्ट गुटिए डैश वेरी गुड पिला माने बहुत बढ़िया बेसाल्ट गुटिए कोन ना आग्नेय शिला कोन रे आग्नेय शिला। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा मैथमेटिक्स आसी गला पिला माने मैथमेटिक्स आसी गला ठीक अछि। आपण माने ध्यान सहित मैथमेटिक्स करिवे से लिखी छि गुटिए बाहु फलकर पार्श्व संख्या उ धार संख्या यथाक्रमे 6 ও 12 गुटिए बाहु फलकर पार्श्व संख्या उ धार संख्या देछि केते ना पार्श्व संख्या देछि 6 धार संख्या देछि 12 ताले शीर्ष संख्या केते हो शीर्ष संख्या केते हो देखिबा समस्त कमेंट करंतु समस्त कमेंट करंतु सब पिला माने कमेंट करंतु अच्छा अच्छा आज यूट्यूब रो प्रॉब्लम अछि अच्छा हो देखों तो पिला माने गुटिए बाहु फल कर पार्श्व संख्या उधार संख्या यथाक्रमे 6 ও 12 हेले शीर्ष संख्या केते गुटिए बाहु फल कर पार्श्व संख्या उधार संख्या यथा 6 ও 12 हेले ठीक अछि शीर्ष संख्या केते हबो शीर्ष संख्या केते हबो आपण माने गोटे फर्मुलाटी मन रखिथे ठीक अछि। गोटे फर्मुला आपण मान कहि दउ छी फर्मुलाटी होची कोन ना शीर्ष संख्या पई फर्मुलाटी होची ठीक कि हमें जानती कोन धरंती ठीक अछि। वी प्लस एफ एफ कोन एफ होची जोटा कि माइनस ई जोटा कि धार संख्या इक्वल टू केते 2 केते 2 बुझेला। भी जोटा कि कौन ना भीटा होची शीर्ष संख्या एफटा कौन एफटा होची जोटा कि हमर पार्श्व संख्या ईटा कौन ईटा होची जोटा कि धार संख्या ठीक अछि। ताले हमर भी देछि शीर्ष संख्या देनी शीर्ष संख्या मागिछि हमें भी रख देले प्लस एफ एफ केते देछि 6 6 टी देछि पार्श्व 6 हला ठीक अछि। फेडाण ई ईटा जोटा कि कौन धार संख्या केते देछि 12 इक्वल टू केते 2 बुझियला। এটা আপন মন রাখি পারি ফর্মুলাটি ভি প্লস এফ মাইনাস ই শীর্ষ সংখ্যা মিশাণ পার্শ্ব সংখ্যা ফেড়াণ ধার সংখ্যা ইকুয়াল টু 2 ঠিক আছে। তাহলে এটি কোন হব ভি মাইনাস 6 ইকুয়াল টু 2 তাহলে ভি র ভ্যালু কত বাহির 2 প্লস 6 যেটা কি 8 তাহলে ভি র ভ্যালু যেটা কি শীর্ষ সংখ্যা কত হব 8 টি হব শীর্ষ সংখ্যা কত হব 8 টি হব তাহলে অপশন নম্বর ডি হব রাইট আনসার অপশন নম্বর ডি বুঝেলা। টেট্রাহাইড্রাল শীর্ষ সংখ্যা কেতে টেট্রাহাইড্রেন শীর্ষ সংখ্যা কেতে টেট্রাহাইড্রেন টেট্রাহাইড্রেন শীর্ষ সংখ্যা কেতটা টেট্রা মানে কোন চারি তাহলে শীর্ষ সংখ্যা মধ্য সেই চারিটি
ठीक अच्छे टेट्राहाइड्रल शिशु संख्या हूँ टेट्रा मान कौन चार तेणु शिशु संख्या चारोटी बुझेगा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा गोटे समघनर घनफल 8000 सेंटीमीटर क्यूब गोटे समघनर घनफल के 8000 सेंटीमीटर क्यूब आपण जानते समघनर माने आयतन जोटा कि घनफल कह जाए आयतन ए क्यू ए क्यूरो भैल्यू केत 8000 केत 8000 ताल ए रैल्यू के 8000 रुट क्यू केत 20 केतरे 20 बुझेगा रुट क्यू है 20 तेल ए रैल्यू के बाहर 20 तेल दैर्घ्य जोटा कि 20 सेंटीमीटर केत 20 सेंटीमीटर बुझेगा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आठ धार विशिष्ट एक पिरामिड्र पार्श्व संख्या केत आठ धार विशिष्ट एक पिरामिड्र पार्श्व संख्या केत आठ धार विशिष्ट एक पिरामिड्र पार्श्व संख्या केत यदि गोटे पिरामिड्र आपण मैंने मन रखिथे यदि पिरामिड क्वेश्चन आसी जतोटा धार थी तार पाख हम प्लस वन आठटी धार है तार पार्श्व हम कतोटी नौटी कतोटी हम नौटी बुझेगा कतोटी हम नौटी पिरामिड संख्या जदि दे पिरामिड क्वेश्चन आसी बुझेगा जदि पिरामिड क्वेश्चन पचार धारा दे जतोटा तेल ता पार्श्व हम प्लस वन धारा यदि पाँचटा दे था पांच धारा विशिष्ट एक पिरामिड्र पार्श्व संख्या केत पार्श्व संख्या होता है छटी तेल आठ धारा विशिष्ट पिरामिड्र पार्श्व संख्या केत ना आठ धारा विशिष्ट पिरामिड्र पार्श्व संख्या जोटा कि नौटी बुझेगा। एमती क्वेश्चन टी आप खाली प्लस वन करके एनसर टी पाइपर एक्जाक्टली सेम टाइप क्वेश्चन थी कि आठ जगार थी छः कि पाँच कि दुई ये जहाँ थे पार्श्व संख्या मागिद प्लस वन करदे बुझिपाले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा प्रिजिम्र आधारर परिसीमा प्रिजिम्र आधारर परिसीमा हूँ 42 सेंटीमीटर केते 42 सेंटीमीटर बुझेगा। प्रिजिम्र आधार परिसीमा जोटा कि 42 सेंटीमीटर और पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल केते ना 840 सेंटीमीटर बुझेगा। ताले प्रिजिम्र उच्चता पचार प्रिजिम्र उच्चता पचार आपण मैंने जानते प्रिजिम्र पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल प्रिजिम्र पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल फर्मूला हूँ कौन ना आधारर परिसीमा आधारर परिसीमा ठीक अच्छे गुणन उच्चता ठीक अच्छे आधार परिसीमा दे दी के 42 एवं उच्चता केतना उच्चता एच लिखिदे उच्चतार मागिच क्षेत्रफल के 840 के 840 ताले 42 गुणन एच इक्वाल टू 840 ताले एच रैल्यू के 840 बै 42 840 बै 42 बुझेगा 840 बै 42 तेज जब आम काटिद बाहर 20 के बाहर 20 ताले एच रैल्यू के 20 बुझेगा। केमी आम जो प्रिजिम्र क्षेत्रफल पाती कौन करती ना आधार परिसीमा गुणन उच्चता आधार परिसीमा दे 42 सेंटीमीटर उच्चता देने उच्चता एच लिखिदे तार क्षेत्रफल दे 840 सेमती आम काले कौन ना एच इक्वाल टू 20 एच इक्वाल टू 20 ताल ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुझिपाले पे समस्ते बुझिपार्थ कि ना ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा गोटे सरल प्रिजिम्र भूमि एक षड्भुज गोटे सरल प्रिजिम्र गोटे सरल प्रिजिम्र भूमि एक समबाहु त्रिभुज ठीक अच्छे जार बाहुर दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर जार बाहुर दैर्घ्य हूँ 50 सेंटीमीटर प्रिजिम्र उच्चता दे 1.2 मीटर ताहले प्रिजिम्र समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल केते समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल केते से पचारिछि आमे जानिछन्ति कोन ना प्रिजिम्र क्षेत्रफल समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल हला पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल प्लस दुई गुणन त्रिभुजर क्षेत्रफल दुई गुणन त्रिभुजर क्षेत्रफल त्रिभुजटा कि किस दे ना समबाहु त्रिभुज यदि समबाहु त्रिभुज देखे तार क्षेत्रफल आम पाइपर तार क्षेत्रफल कौन रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर जेहेतु मीटर दे उच्चता आम दैर्घ्यटा को मीटर में कन्वर्ट करदे यदि 50 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करा के 1/2 ठीक अच्छे तेल रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर मान 1/2 स्क्वायर बुझेगा। तेल रूट 3/4 इंटू 1/4
আমি যদি লেখিবা এটা কেতে হব না 0.108 বাহির তার কোণ 1.08 মিটার স্কোয়ার বাহির যেটা কি আমার ভূমির ক্ষেত্রফল বা ভূমিটা গোটে সমবাহু ত্রিভুজ তেমন সেই ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল পাইগলে ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল কত পাইলে না 0.108 মিটার স্কোয়ার বুঝিলা তাপরে আমি কম কাড়া না তার পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল সে কোণ মাগিছি দেইছি পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল আমি পাইগলে পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল আমি কোণ জানি পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল কোণ জানি কেমিতি কাই পাড়ি পাইবা আমি তাহলে পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল কেমিতি পাইবা এবা যেটা কি কত পাইলে পার্শ্বপৃষ্ঠতল আমি জানি কোণ কোণ দে পিলা মানে পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল কোণ পৃথিবীর পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল হল কোণ ভূমি তিন গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা ভূমি গুণন উচ্চতা ঠিক আছে ভূমি গুণন উচ্চতা ভূমি কত ভূমি কতরে পিলা মানে ভূমিটা দেউ যায় কত আমি পাই জানি ভূমিটা হচ্ছে কত ভূমির দৈর্ঘ্য গুণন উচ্চতা ভূমির দৈর্ঘ্য হল কত হাফ গুণন উচ্চতা যদি কত উচ্চতা হচ্ছে 1.2 ঠিক আছে এটা কাটিদেলে কত হব পৃথিবীর পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল পৃথিবীর পার্শ্বপৃষ্ঠতল কোণ কলে আধার পরিসীমা ইন্টু উচ্চতা যেহেতু আধার যেটা কি হল বাহু হল কত আধার পরিসীমা গুণন উচ্চতা আধার কত হল আধার হল হাফ ঠিক আছে হাফ তার পরিসীমা হলে কোণ তিন থ্রি এ হব যেটা কি থ্রি এ সম্ভাব্য ত্রিভুজর পরিসীমা হচ্ছে থ্রি এ তাহলে তিন গুণন হাফ গুণন 1.2 বুঝিলা এটা যদি আমি কোণ কাটিদেবা তাহলে কত হব না 1.8 মিটার স্কোয়ার তাহলে আমি পাইগলে কোণ যার পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল পাইগলে ঠিক আছে তাহলে সমগ্র পৃষ্ঠতল কাড়া সমগ্র পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল কোণ না পার্শ্বপৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল প্লস দুই গুণন ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল দুই গুণন ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল বুঝিলা পার্শ্বপৃষ্ঠতল কত পাইলে পার্শ্বপৃষ্ঠতল পাইলে 1.8 প্লস দুই গুণন ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল কত পাইলে 0.108 বুঝিলা তাকে আর সমাধান করিদেবা সমাধান করিদেলে পাইবা কত না 2.016 মিটার স্কোয়ার হল অপশন নম্বর বি বুঝিপাইলে এক চতুর্ভুজাকার প্রিজিমের শীর্ষ সংখ্যা কত এক চতুর্ভুজাকার প্রিজিমের শীর্ষ সংখ্যা কত চতুর্ভুজ মানে কোণ চারিটি চতুর্ভুজ মানে চারিটি তাহলে শীর্ষ সংখ্যা কতটা হব ডবল হয়ে যাব কত হয়ে ডবল হয়ে যাব কতটি আঠটি বুঝিলা আঠটি হব রাইট আনসার চতুর্ভুজাকার প্রিজিমের শীর্ষ সংখ্যা কতটা হব আঠটি বুঝিলা তারপর নেক্সট কোশ্চেন কু যা নেক্সট কোশ্চেন কুচি গোটিয়ে ড্যাশ ত্রিভুজ টেট্রাহাইড্রাল গোটিয়ে ড্যাশ ত্রিভুজ কেউ ত্রিভুজর পিলা মানে সমবাহু ত্রিভুজ কেউ ত্রিভুজ হব সমবাহু ত্রিভুজ ঠিক আছে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কু যা গোটিয়ে সিলিন্ডর আকারের স্তম্ভর বক্র পৃষ্ঠতলর রঙ করা প্রতি বর্গ মিটর কু 60 পয়সা হিসাবের 792 টাকা খরচ হল 60 পয়সা হিসাবের 792 টাকা খরচ হল ঠিক আছে তাহলে পচারছি এর ভূমির ক্ষেত্রফল যদি 154 মিটার স্কোয়ার হুয়ে তাহলে উচ্চতা কত আমি কম করা টোটাল ক্ষেত্রফলটা প্রথমে কাড়া ঠিক আছে কেমিতি কাড়া না ক্ষেত্রফল নয় টোটাল বক্র পৃষ্ঠতলটা কাড়া বক্র পৃষ্ঠতলটা কেমিতি না টোটাল 792 টাকা খরচ হচ্ছে 792 টাকাটা আমি যদি পয়সাটা করিদেবা 792 দুইটা শূন্য হয়ে যাব ঠিক আছে 60 পয়সা লেখালে 60 হরিদেবা শূন্য শূন্য কটিগলা এটা কাটলে কত হব না 1320 কত হব রে 1320 তাহলে 1320 হব যেটা কি তার বক্র পৃষ্ঠতলর ক্ষেত্রফল কত হব 1320 হচ্ছে তার বক্র পৃষ্ঠতলর ক্ষেত্রফল বুঝিলা পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফলর হচ্ছে কত হব না 1320 সিলিন্ডর বক্র পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল পাইগলে ঠিক আছে
किंतु आम जानते वक्रपृष्ठतल क्षेत्रफल हूँ टू पाई आर एच टू पाई आर एच रैल्यू देती के बाहर मोर 1320 बाहर 1320 बुझिपाले टू को टू रखदे पाइर भैल्यू के पाइर भैल्यू है 2207 ठीक अच्छे एवं आर आर टा पाई एपर्तंत आर टा केमी काढ़ा ना जेहेतु भूमिर क्षेत्रफल दे दीजिए भूमि क्षेत्रफल मान सिलिंडर टा भूमि कौन जोटा कि वृत्त वृत्तर क्षेत्रफल मान पाई आर स्क्वायर दे दीजिए पाई आर स्क्वायर के पाई आर स्क्वायर देते 154 मुझे आपने डायरेक्ट मन रखिपारे जदि पाई आर स्क्वायर टा 154 वृत्तर क्षेत्रफल जदि 154 हुए तेल तार रेडियसटा केत हे तार रेडियसटा के सात डायरेक्ट पकई पार टू पाए पाए भैल्यू 2207 आर भैल्यू 7 एच को रखिले एच तापर 1320 बुझिपाले ये गोटे कटाकटी करदे के ना एच रैल्यू आम पाइबा के जोटा कि 30 मीटर के 30 मीटर सी मागे एच हाइट बा उच्चता जोटा कि 30 मीटर हम रईट आंसर के 30 मीटर बुझिपाले पाने केमी है 30 मीटर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी गोटे प्रिजिमर भूमि एक समद्विबाहु त्रिभुज गोटे प्रिजिमर भूमि गोटे समद्विबाहु त्रिभुज ठीक अच्छे जार भूमि 24 सेंटीमीटर और प्रत्येक सामान बाहू 13 सेंटीमीटर लाखे ठीक अच्छे तेल गोटे प्रिजिमर भूमि रही के भूमि रही कौन भूमि रही कौन जोटा कि समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु जोटा कि 13 रही गोटे रही 24 बुझिपाले सी पचार प्रिजिमर पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल प्रिजिमर पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल मुझे प्रिजिमर पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल कही आधार परिसीमा गुण उच्चता आधार परिसीमा मान 13 मिशाण 13 मिशाण 24 13 मिशाण 13 मिशाण 24 के 13 26 26 24 के 26 24 50 26 24 हूँ 50 तेल आधार परिसीमा आम पाइला के 50 आधार परिसीमा मैंने त्रिभुजा गोटे समद्विबाहु गोटे 13 गोटे 24 तीन टाइम मिसाइल के 50 पाइले आउ केवल आम पाइार कौन अच्छी ना उच्चता टी पाइार अच्छी उच्चता केमी पाइबा पे उच्चता आम केमी पाइबा उच्चता केमी पाइबा उच्चता आम केमी पाइबा उच्चता केमी पाइबे पे ये गोटे उच्चता आम ड्र करद ठीक अच्छे ये गोटे उच्चता ड्र कर उच्चता जी ड्र करद उच्चता सूत्र जोटा कि एच एचटा के ना 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर रूट ओवर 13 स्क्वायर बार कौट है यहाँ हूँ जो 90 डिग्री हम यू सामान दिखंड भाग कर कहीं गोटे समद्विबाहु त्रिभुज कहीं गोटे समद्विबाहु त्रिभुज तार उच्चता भूमि को समद्विखंड कर एटा 12 एटा 12 तेल 13 गोटे 12 गोटे आउ गोटे के गोटे हम 5 जोटा कि उच्चता के 5 उच्चता हम के 5 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर बुझेगा उच्चता के 5 सेंटीमीटर उच्चता जी 5 सेंटीमीटर हुए ठीक अच्छे उच्चता जी 5 सेंटीमीटर हुए आम जानते कौन आधार परिसीमा गुणन उच्चता आधार परिसीमा के आधार परिसीमा के बाहर जोटा कि आम बाहर 50 बाहर आधार परिसीमा है 50 ठीक अच्छे उच्चता के उच्चता हूँ के 5 सेंटीमीटर बाहर के 5 सेंटीमीटर ताले केते हबो 25 250 हबो केते हबो 250 ऑप्शन तो नहीं मैं देखिए कौन है जिनसा ठीक अच्छे गोटे पिरामिड पार्श्व संख्या केते गोटे पिरामिड पार्श्व संख्या यार भूमि बाहु संख्या केते अधिक मु आपन मान किस समय आगुर कहली किस समय आगुर आपन मान कहिछि जोटा कि पार्श्व संख्या थारो भूमि रो केते हबो केते अधिक हबो एक अधिका कही थी ना एक अधिका बुझेगा एक अधिका ठीक अच्छे आज पिला माने सब नेटवर्क प्रॉब्लम पाई क्लास टी ऑफ कर दबा ठीक अच्छे नेटवर्क प्रॉब्लम पाई क्लास टी वर्तमान चलुची ठीक अच्छे पिला माने पुणी आसंता काली सकाळ 8:00 रे आसंता काली सकाळ 8:00 रे हमर लाइव क्लास हबो सकाळ 8:00 रे एई टाइम रे हमर काली सकाळ लाइव हबो तनु समस्ते काली सकाळ 8:00 रे जॉइन कर जिवे समस्ते काली सकाळ 8:00 रे जॉइन कर जिवे ठीक अच्छे
କାଲି ରହିଛି ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାଲି ସକାଳ 8ଟାରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ତ ଲାଇଭ୍ରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାଲି ସକାଳ 8ଟାରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ 8ଟାରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଶୁଭରାତ୍ରି। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଶୁଭରାତ୍ରି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।